पुलवामा से ये इलेक्शन लड़े थे, ये एक तरह से कहिए हमारे शहीदों की लाश पे चुनाव लड़के जीते थे। तो और आपने एक बात भी कही थी कि अगर मैं गवर्नर पद से हटता हूँ तो मैं मतलब एक पत्ते खोलूँगा, आपने क्या पत्ते खोले? कमजोर हूँ, मैंने कहा भाई ये मुझे मरवा दें पर मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे चार स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, आग लग जाएगी इनको ठीक कर देंगे। इसका कोई मुख्य कारण रंजिश है प्रधानमंत्री को कि किसानों के मामले में वो उसे झगड़ा कर रहे थे। मेरा किसानों के मामले में उनसे न सिर्फ डिफरेंस हुआ था बल्कि तू तड़ाक हो गई थी। मैं आपको बताता हूँ मुझे इसीलिए नहीं छेड़ते, मुझे इनके इतने वो हैं कारनामे मालूम हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे जनता के सामने। सर आपको गवर्नर बीजेपी सरकार ने बनाया था और फिर आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको राजस्थान और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है एक्स गवर्नर सत्यपाल जी मलिक। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत है आपका झलको राजस्थान। आप पहले आप पब्लिक में मीटिंग करते थे और आप पब्लिक में मीटिंग करते हो तो उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, आप लाइक उसमें इतना पब्लिक के तेवर नहीं दिखाई दे रहे, तो उसका क्या रीज़न है? कोई रीज़न नहीं, नॉर्मल रहता हूँ, नॉर्मल तरीके से काम करता हूँ। कुछ चीज़ें होती हैं जिसका लोग नोटिस ले लेते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका नोटिस नहीं लेते। और पिछले दिनों आपकी जो सुरक्षा है वो भी हटा दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? वो तो देखिए कश्मीर की कमेटी ने लिखा था कि इनको पाकिस्तान से भी खतरा है और कश्मीरी मिलिटेंट से भी खतरा है, इसलिए इनको जेड प्लस सिक्योरिटी दी जानी चाहिए और दिल्ली में मकान दिया जाना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट। तो मकान की छोड़िए, मकान में मैं किराए के में रहता हूँ और सुरक्षा के नाम पे सिर्फ एक वो है PSO, पूरी सुरक्षा हटा दी। लेकिन ऐसा क्यों किया, इसका कोई मुख्य कारण? रंजिश है प्रधानमंत्री को कि किसानों के मामले में वो उसे झगड़ा कर रहे थे। मेरा किसानों के मामले में उनसे न सिर्फ डिफरेंस हुआ था बल्कि तू तड़ाक हो गई थी और मैंने कहा आप गलत रास्ते पे गए, बाद में माने, माफ़ी मांग के माने, लेकिन वो रंजिश लेके बैठ गए कि अच्छा ये आदमी है जिसने, क्योंकि उनके सामने कोई बोलता नहीं है, वो अपने फोटो फ्रेम में भी किसी को बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वो रंजिश थी उनको, इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली थी। लेकिन इस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की? आपने कोई नोटिस? कोर्ट में चला जाता तो मुझे फॉर्म मिल जाती, वो मैं करना नहीं चाहता, उससे लगेगा मैं कमज़ोर हूँ। मैंने कहा भाई ये मुझे मरवा दें पर मुझे कोई खतरा नहीं है, मुझे चार स्टेट में मेरी कम्युनिटी के लोग हैं, आग लग जाएगी इनको ठीक कर देंगे, तो मेरे खिलाफ एक्शन भी नहीं कर पा रहे इंटरव्यू वैसे। लेकिन सर इसका मुख्य कारण कहीं ये तो नहीं है कि आप अमित शाह पे लगातार हमलावर रहते हैं तो इसलिए आपके? अमित शाह पे तो मैं सॉफ्ट रहता हूँ, अमित शाह पे सॉफ्ट रहता हूँ, हमलावर में प्रधानमंत्री पे अमित शाह इज अ वंडरफुल पर्सन, वो खराब आदमी नहीं है। तो अभी अमित शाह के और आपके संबंध कैसे हैं? संबंध बहुत अच्छे हैं लेकिन मैं मिलता जुलता नहीं हूँ उनसे, वो भी संपर्क नहीं रखते हैं, लेकिन अगर वो कभी मुझे बुलाएं चाय के लिए मैं फौरन जाऊँगा। और अभी जो किसानों का मुद्दा चल रहा था हरियाणा में और पंजाब में काफ़ी आंदोलन हुए हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि मुद्दा ठंडा पड़ चुका है? ना बिल्कुल नहीं, मैं जो चडूनी का वो था आंदोलन जिसमें उन्होंने MSP की डिमांड की थी सूरजमुखी के लिए, मैं उसमें गया था और उसमें उनकी कामयाबी हुई, जीत हुई किसानों की। या फिर लेकिन फिर भी सर उसी एरिया में तो फिर भी बीजेपी सरकार है, ऐसा क्यों? वो कभी बन गई, वो दुष्यंत की मदद से बन गई, अब वो सरकार का सपना भूल गए, पूरे नॉर्थ इंडिया की किसी स्टेट में उनकी सरकार नहीं बनेगी। पर सर मोदी से ज़्यादा तो किसानों का मतलब पहले भी कार्यकाल कई रह चुके हैं लेकिन मोदी जी डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे डाल रहे हैं और बहुत सारी उनको सब्सिडियां दे रहे हैं, फिर आप बोल रहे हैं कि मोदी जी उनके लिए कुछ नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? देखिए मोदी जब गुजरात में थे तो ही वॉज फॉर फार्मर्स, दिल्ली आने के बाद वो ख़राब हो गए, इस कंपनी में आ गए वो अडानी बडानी फलाना लिखा, किसानों के लिए वो कुछ नहीं कर रहे, खाते में पैसा देना है ये तो एक तरह समझिए चिल्लर है, उससे किसान का काम नहीं चलता, जब तक उसे फसल का सही दाम ना मिले और सही दाम की गारंटी ना हो वो दे नहीं रहे। उन्होंने कहा था जब ये किसान आंदोलन ये वापस लिए कानून कि मैं MSP को लागू करूँगा और कानूनी तौर पर करूँगा, वो आज तक नहीं किया। तो और आपने एक बात भी कही थी कि अगर मैं गवर्नर पद से हटता हूँ तो मैं मतलब एक पत्ते खोलूंगा, आपने क्या पत्ते खोले अभी? मैंने एक खोला अभी तो, दैट इज़ पुलवामा में जिस दिन ट्रेजिडी हुई मैं उसी दिन बोल दिया था 2 चैनल पे कि ये हमारी लापरवाही से हुई, हमारी गलतियों से हुई, चूँकि उन्होंने
5 एयरक्राफ्ट मांगे थे ताकि उन्हें हाईवे से न जाना पड़े। 4 महीने तक अकॉर्डिंग टू योर भास्कर न्यूज़, 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन होम मिनिस्टर पड़ी रही और उसको उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट को नहीं माना। तो पुलवामा में जो मैं बोल दिया उसका पूरे देश में रिएक्शन हो गया। अभी पहली तारीख को दिल्ली में पुलवामा को ये पार्लियामेंट में भी उठा रहे हैं सब लोग, और पहली को दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस है जिस सदारत में कर रहा हूँ। पुलवामा पे ये इलेक्शन लड़े थे, ये एक तरह से कहिए हमारे शहीदों की लाश पे चुनाव लड़के जीते थे, उसका बदला इस बार लोग लेंगे इनसे। और आपका मतलब एक मामला सामने आया था कि आप कश्मीरी खिताब करके कुछ कर लिख रहा हूँ, तो उसमें आप क्या कुछ वो मैं अभी नहीं बता रहा, ना मैं ये बता रहा मैंने लिख लिया नहीं है, मेरे रेड कर देंगे किताब के लिए, तो मैं जब ये हट जाएंगे फौरन छपने दे दूँगा। बहुत सारी चीज़ें इनके, तो इतनी मैं आपको बताता हूँ, मुझे इसीलिए नहीं छेड़ते, मुझे इनके इतने वो हैं कारनामे मालूम हैं कि एक्सपोज हो जाएंगे जनता के सामने। सर आपको गवर्नर बीजेपी सरकार ने बनाया था, हाँ, और फिर आप उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने समर्थन किया 5 साल जब किसानों के मामले पे, मैंने 10 दिन सोचा उस पर भी। किसान जब 700 किसान मर गए, और ये तो कुटिया भी मरती तो कंडोलेंस भेजता है, उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। किसान पड़े रहे 5-6-7 महीने तक बाउंड्री पे, इसके घर से 10 किलोमीटर दूर थे वो, बिल्कुल नहीं बोला। तो बींग ए किसान, मैं किसान था, किसान हूँ और किसान ही रहूँगा। मैं चरण सिंह जी के साथ काम किया था, तो मुझे वो एहसास हुआ कि गलत हो रहा। तब मैं इस्तीफा जेब में रख के इनसे मिलने गया, और मैंने कहा साहब इनका कुछ निपटारा कर दीजिए, तो बोला नहीं नहीं चले जाएंगे। मैं कह ऐसे नहीं जाएंगे, तब जाएंगे जब आप चले जाओ। तो मेरी तरफ देखने लगे, इनको ये बातें सुनने की आदत नहीं है। मैं कहा ना तो आप इन सिखों को जानते हो, इनके गुरुओं ने अपने 4-4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था, और ये 300 साल भूलते नहीं। ये जो ब्लू स्टार हुआ था, इसके बाद मिसेस गांधी ने 1 महीने तक अपने यहाँ वो कराया था महामृत्युंजय का पाठ। अरुण नेहरू मेरे दोस्त थे, उन्होंने पूछा भूपी आप तो इसको मानती नहीं थी, तो उसने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं, जिसने भी इनके स्वर्ण मंदिर पर उंगली लगाई है उसको छोड़ते नहीं हूँ, मैं बचूंगी नहीं। उनको एहसास था, पूरा इल्हाम था कि मुझे मारेंगे, वो मारी, जनरल वैद्य मारे। तो मैंने इनको, इन्होंने कानून राजी खुशी में थोड़े वापस लिए, जब डर गए अब तो ये गुरुद्वारों में जाने लगे पीली पट्टी बांध के। मैंने एक उसका कुमार अबार वंकी का शेर कोट किया था कि कयामत यकीनन करीब आ गई है, कुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे। तो अब तो ये गुरुद्वारा देखते ही कूद पड़ते हैं। और अभी आगे आप क्या करने वाले हैं, लाइक कोई पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं या फिर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं? पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, चूँकि मुझे चुनाव लड़ना नहीं है। मैं अपनी पसंद के जो कैंडिडेट्स डिफरेंट पार्टी के होंगे उनके लिए कैंपेन करूँगा। किसके लिए कैंपेन करेंगे सर? मैं जो भी अच्छे कैंडिडेट्स होंगे। कोई नाम आप बताना चाहें? 2-3 पार्टियाँ तो हो गई, कांग्रेस अजीत सिंह का लड़का, मुलायम सिंह का लड़का, ये अपनी ममता जी, और ये बाल ठाकरे का लड़का जो है उसका भी मुझे फ़ोन आया था, वो बुला रहे हैं, उनके यहाँ जाऊँगा मैं, इन सबों की मदद करूँगा। और पीछे अभी राहुल गांधी जी के साथ भी वो जो सदस्यता उनकी हटा दी गई है, उसके बारे में भी आप कुछ कहना चाहेंगे? गलत, उसके साथ जाती होगी। सबसे बड़ी जाती थी कि उसको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उसका ये इनहेरेंट राइट था कि उसके खिलाफ उसकी गैरहाजिरी में अगर कुछ मिनिस्टर्स ने बोला है तो उसे जवाब देने का अधिकार था, लेकिन स्पीकर ने वो भी अलाउ नहीं किया। तो उनका समर्थन करते हो आप? 100%। और यहाँ पे गोदारा इसमें आने का क्या आपका कोई मुख्य कारण? ये मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेता हूँ, गोदारा जी से। ये किसानों में एक बहुत करूँ और बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं अभी सीकर गया था तो मेरे कार्यक्रम में थे बड़े पैमाने पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ लेके, और मेरी इनसे बहुत उनसीयत है और मैं इनसे सीखता हूँ बहुत, कई कई घंटे बैठा के। दिल्ली भी गए थे तो मुझे मिलने आए थे, अब भी आए थे, तो मैंने इनको जब ये कह दिया था कि मैं दिल्ली निकलूँगा तो आपके यहाँ नाश्ता करके जाऊँगा। ठीक है सर, काफ़ी अच्छा लगा आपसे जानकर सर, और स्वागत है आपका झलकों पे, धन्यवाद सर।